रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरि राय हर कृष्ण गुर बर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो जोर कर बंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बिकार तिन संतन को बंदना सिर चरनन पर सतगुर मम बेरी कटहो निज बेरी पर चार एह बेरी होए पाव सफल बिन बेरी कर पार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए तन तन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी दीन दुनिया दे मालक चावर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर समरथ गुरु परतख गुरु सच्चे पातशाह दासां गरीबां दी इज्जत रखण वाले पत रखण वाले मेहर करन वाले बख्शिश करन वाले बख्शेंद सच्चे पातशाह सदा ही दयालु कृपालु सच्चे पातशाह मेहरबान सच्चे पातशाह मुकत भुगत जुगत के दाते सच्चे पातशाह चावर छत्र तखत दे मालक तन 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज फिर कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी की पवित्र हजूरी विच बैठ के जिथे आप जी सतगुरां दे सोहणे दर्शन कर रहे हो उथे गुरु प्यारियां पासों हजूर महाराज जी की पवित्र गुरबाणी सुख देण वाली बाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया जी तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया इस गुरबाणी का पवित्र कीर्तन आप जी ने सरबत संगतां ने सरवण किया सारी संगत बड़े प्रेम दे नाल दास दिते अपनी हाजरी सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों विच लवाओ जी दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह महाराज सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु सतवें पातशाह श्री गुरु हर राय साहब महाराज जी का पवित्र इतिहास आप सब संगतां बड़े प्रेम के नाल सरवण कर रहे हो गुरु का सिख काबल की धरती ते है सच्चे पातशाह जी महाराज श्री कीरतपुर साहब जी हैं बड़ी वड्डी यह सिख्या दिती है प्रेमी बंदा प्रेमी जन प्यार करन वाला सिख भावें दुनिया के किसी भी कोने विच बैठा होवे वो अपने सतगुरु जी दे पास रहिंदा है जी प्यार करन वाला दुनिया के किसी भी कोने विच बैठा होवे सुरत करके वो अपने मालक की हजूरी विच हुंदा जी गुरमुखो ये लाइन हो सकता एक मिनट भी ना लगा होवे बोलन लगे हैं जी पर इस गल नूं कमाउण वास्ते कई वारी सारा सारा जीवन बंदे दा लग जांदा है जी सारी सारी जिंदगी सुरत दी खेड नहीं जी बनदी जी तन करके ते साल दो सालां विच सख्त मेहनत करन दे नाल
तन करके गुरु जी की हजूरी विच रहण वाली गल बन जांदी है जी। शरीर करके साल दो साल मेहनत करन तों बाद बंदा गुरु जी की हजूरी विच रहण दा उहनूं वल वत्तर आ जांदा जी, जाच आ जांदी है जी। शरीर करके गुरु की हजूरी विच रहना भी बड़ा औखा हैगा जी। हाँ जी, सेवा करन दी जाच सिखनी पएगी जी, निम्रता भाव रखना पवेगा जी, सब कुछ सीखना पएगा, फिर किते जाके गुरु की हजूरी विच रहना बंदे नूं आउंदा जी। इसे करके पुरातन समय विच टकसालां संप्रदावां दे विच विद्यार्थियों नूं गुरु साहब जी की हजूरी विच रहना किवें आ इस गल की जाच सिखाई जांदी सीगी जी। हाँ जी, तन करके गुरु की हजूरी विच बंदा दो तीन सालां विच सिख लैंदा जी। इस तरीके नाल महाराज दे हजूर रह के सेवा करनी है। गुरमुखो, एक गल चेता रखो, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए हैं। सेवा मुक्तियां मुक्ति देने वाली, सेवा भुगतियां देने वाली है जी। हाँ जी, पर सेवा करन दी जुगत बंदे नूं सीखनी पवेगी जी। सेवा करन दा वल सीखना पएगा वड्डियां दे कोल रह के, सेवा करन दी जाच सीखनी पएगी आप तो वड्डे दे कोल। ओ जाच दसेगा फिर सख्त मेहनत तो बाद अभ्यास तो बाद बंदे नूं पूरी जाच आउंदी है जी। इस करके शरीर करके गुरु जी दे हजूर रहण दा भी बहुत वड्डा लाभ हैगा। ऐसी गल नहीं, जिथे मन दी हाजरी जरूरी उथे तन दी हाजरी भी बहुत जरूरी है, ते जिथे तन दी हाजरी जरूरी है उथे मन दी हाजरी भी बहुत जरूरी है। तुसां सुनिया संगत जी, सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल बड़े सिख रहिंदे जी। भाई गोंदा जी नूं काबल गुरु जी ने भेजिया जी, काबल जी, ते काबल हुण भाई साहब दा शरीर चले गया, सुरत गुरु हर राय साहब दे चरणां विच रह पई जी। हाँ जी, फिर बेनती करा, जेड़ी अंदर दी सुरत हैगी ना जी, अंदर दी सुरत ओह सदा गुरु दे चरणां विच रहे, ये काम करदियां करदियां बंदे नूं जन्म लग जांदे जी। ये जेड़े सिखां दे तुसीं नाम सुन रहे हो ना जी, इन्हां दी बड़ी पूर्वली कमाई सीगी जी, बड़ी महान महान बख्शिश सी इन्हां दे कोल जी, तां जाके इन्हां दी एडी एडी अवस्था बन गई जी। भाई गोंदा जी ने बड़ी निम्रता दे नाल काबल दियां संगतां दे विच गुरमत दा प्रचार करना ते लंगर चलाउणा जी। आप हथीं लंगर दी भाई गोंदा जी सेवा करदे हुंदे सी। भाई गोंदा जी दा जीवन इन्ना महान बन चुका सीगा जी, भाई गोंदा जी दे दर्शन कर करके कई लोग गुरु के सिखी धारण कर ली जी उन्होंने जी। असीं भी गुरु जी दे सिख बनना। हुण मैं आम तौर ते अपने जीवन प्रति विचार करदा, जिन्ने प्रचारक ने जे किते आपां पूरे पूरे गुरु नूं समर्पित हो के लग जाइए, हो सकदा सानू वेख के कोई गुरु वाला बन जाए जी। ते जे नहीं जी, फिर माफ करियो, माया कठी करके ते परिवार नूं छकाउण तक ही बंदा सीमित रह जांदा जी। भाई गोंदा जी दा इन्ना महान जीवन, इन्ना महान जीवन, भाई गोंदा जी दे दर्शन कर करके काबल दे बहुत सारे लोग गुरु दे सिख बनन वास्ते तैयार हो गए जी। सिख बनन वास्ते भाई गोंदा जी एक दिन बैठे अमृत वेले जपजी साहब दी बाणी दा पाठ कीता जी। हाँ जी, हुण पहली गल, अमृत वेले उठना हर एक दे वस दी गल नहीं हैगी जी। भाई साहब जी अमृत वेले उठे, इशनान कीता, अपने मुखों श्री जपजी साहब जी दी बाणी दा पाठ बोल के कीता जी। हाँ जी, ते बस पाठ तो बाद सुरत जुड़ गई जी। ऐसी सुरत जुड़ी, अगे ते गुरु जी दे चरणां विच सुरत जोड़दे सन, अज इन्ना रस बन गया जी, सुरत करके गुरु जी दे चरण ही फड़ ले जी। भाई साहब ने सारी दिहाड़ी सच्चे पातशाह बैठे रहे, सिख बेनतियां करदे रहे, महाराज करो किरपा, लंगर नूं छको महाराज, लंगर नूं भोग लाओ, आप जी प्रशादा छको। सारी दिहाड़ी महाराज ने जवाब नहीं दिता जी। हाँ जी, अखीर ते जदों शाम दा ही समा हो गया, महाराज कहिंदे भाई सिखो
काबल विच भाई गोंदा जी साडे चरण फड़ के बैठे, साडे चरण छड्डण ते अहीं उठ के कहण लगे, अज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। ओ साडे चरण नहीं छड्ड रहे जी, शाम नूं सवेर दे बैठे, शाम नूं भाई गोंदा जी ने चरण छड्डे महाराज दे, ते सच्चे पातशाह गुरु हरराय साहब शाम नूं उठे जी। हांजी गुरमुखो, मेरी बांधी भगत छडावै, बांधी भगत ना छूटै मोहै। जदों भगत आ के प्रेम दी डोरी पा ले, फिर सच्चे पातशाह महाराज उस डोरी विच बज जांदे जी। हांजी आपां अपनी जिंदगी विच सिखिया लैनी है, महाराज दा उपदेश भी मनना, सेवा भी करनी है, ये सारा कुछ करदिया होया गुरु जी दे चरण ऐ घुट के ते पक्के तरीके नाल फड़ने ने जी। हाँ जी सुरत करके ते पकड़ने भाई गोंदा जी दे हिस्से आया, बहुत ज़्यादा कोई अभ्यासी हो जाए राबी पुरश ओदे हिस्से गल आउंदी है, ते जिदी सुरत करके इन्नी पहुँच नहीं हैगी मेरे अर्गे दी, ओदे वास्ते ते एहो ही ठीक है भी सारी उम्र सच्चे पातशाह नूं बेनती करदा रहे, महाराज हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। बोल के ते बंदा बेनती कर सकदा ना जी, जे बोल के भी ना बेनती करे फिर ते गल ढिल्याई वाली है जी। महाराज तब चरणन मन रहे हमारा, सच्चे पातशाह तुहाडे चरणा विच साडा मन रवे जी, सच्चे पातशाह मेहर करन। ओरे तो बाद भाई गोंदा जी काबल तो कीरतपुर साहब बड़ी वड्डी गिणती विच संगत लैके आए जी, संगत महाराज जी दे हजूर बैठी। काबल दी संगत ने एक दिन दसिया भी भाई साडे ते भाई गोंदा जी एक दिन ज्यों बैठे हिले ही नहीं, इधरों कीरतपुर साहब दियां संगतां भी कहन लगियां भी भाई इधर गुरु हरराय साहब भी ज्यों बैठे ते हिले ही नहीं जी। ओह गल मेल खा गई जी, संगतां नूं बड़ा भरोसा बज गया गुरु साहब उत्ते भी सच्चे पातशाह एडे समर्थ ने, प्यार करन वालियां दी अवस्था बयान नहीं कर हो सकदी जी। हाँ जी हुण वेख लो एक गल पक्की चेते रखिए, गज के आखो वाहेगुरू वाहेगुरू, फिर आखो जी वाहेगुरू। प्यार करन वाला सिख कदी भी गुरु जी तों दूर नहीं हैगा जी, ओह सदा ही नेड़े है जी, सच्चे पातशाह मेहर करन। हुण इहदे तो अगली कथा सच्चे पातशाह महाराज जी दा पवित्र जीवन आपां सरवण करिए, सब संगतां गज के आखो धन धन श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज। सब सिख संगतां गज के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, फिर आखो जी सतनाम श्री, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री सतगुर हर राय जी सिख दे उपदेश, श्री सतगुर हर राय जी सिखन दे उपदेश। सच्चे पातशाह महाराज श्री गुरु हरराय साहब कीरतपुर साहब की धरती ते अपने सिखां नूं उपदेश दिंदे ने जी। उपदेश का अर्थ यह है भलियां गल्लां दसदे जी, कमाउण वालियां गल्लां दसदे जी। हाँ जी गुरन मित लंगर करो होए कल्याण विशेष, ते सच्चे पातशाह महाराज ने एक दिन संगत विच उपदेश दिता जी, भाई सिखो जे तुही गुरु दे नमित लंगर करो ते तुहाडा बड़ा वड्डा बहुत छेती कल्याण हो जाएगा जी। हाँ जी हुण गुरु नमित की है इस गल नूं भी सुन लो जी। गुरु नमित लंगर दा अर्थ हैगा जी भी शके भाएं कोई भी समझना आए भी मैं गुरु जी नूं छका रहा जी। हाँ जी शके भाई भावें कोई भी ये समझना भी मैं गुरु नूं छका रहा, इहनूं कहिंदे गुरु नमित प्रशादा छकाउणा जी। सच्चे पातशाह महाराज सिखां नूं कहिण लगे सिखो आपो अपने घरां विच साडे नमित प्रशादा छकाया करो, कहिण लगे साडे नमित छकाया करो। हुण इह गल्लां बड़ियां सौखियां ने जी, जे महाराज बंदे दी भावना बना दिंदा जी इह गल्लां बड़ियां सौखियां हैगियां जी, ते बंदा सौखा कमा सकदा जी इह गल्लां नूं,
पर हुण कित्थों ये भावना रखदा जी कोई। सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे भाई सिखो बस ये गल दा चेता रखो, साडे नमित प्रशादा छकाया करो, समझिया करो जिहड़ा सिख दे मूंह च पै रहा गुरु हर राय साहब छक रहे ने जी। हां जी ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜ ਨਿਜ ਗ੍ਰਹਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਵੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਛਕਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੇਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧਤ ਸੋ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਧਨ ਰੰਕ ਅਨਾਥ ਮਹਾਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਨਾ ਖਾਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਨਾਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਗਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਗਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਝਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਕਰੇ ਆਹਾਰਾ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨਕੇ ਬਹੁ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਸੋ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ,
वो अपने घरां विच लंगर ला के बैठे जी, ते जेड़े आम तौर ते जिन्हां को माया घट हैगी है वो आपस में रल के लंगर लाउंदा है जी। गज के आखो वाहेगुरु। बस बंदा कोई ना कोई धर्म का काम करता रहे जी, फिर ध्यान ना सुनियो, कोई ना कोई धर्म का काम बंदा करता रहे, धर्म का काम करता रहेगा तो प्राप्ति होगी, हाथ ते हाथ रख के बह गया फिर प्राप्ति नहीं होगी जी। कुछ ना कुछ सेवा करता रहे, कोई ना कोई काम करता ही रहे जी बंदा। हाँ जी। एक थल देग गुरु हित करें, शुद्धत होए सो उधर सो परें। ते सारे पास हर एक नू मन विच इक्को ही हुंदा सी भी मैं सच्चे पातशाह दा बचन कमाउणा, बचन कमाउण दा जतन करना, गुरु साहब दे नमित लंगर लाउणा जी। हाँ जी। एह सब दिशते सतगुर पास, आन आन ठाने अरदास। हुण ते जदों भी महाराज दे हजूर गुरु के सिख कट्ठे हुंदे सी ना जी, ते सिख कट्ठे हो के ये गल्लां करदे हुंदे सी के हाँ जी। अमुके पुरमै अमुके ग्रामू, हे सच्चे पातशाह महाराज फलाने नगर विच फलाना जेड़ा पिंड हैगा ना, हाँ जी, चलहे देग उमुके सिख धामू, उस फलाने पिंड विच जेड़ा फलाना सिख हैगा सच्चे पातशाह महाराज ओहदे घर ते तुहाडी कृपा नाल पक्का ही लंगर चलन दिया जी। सुन सुन सतगुरु होए प्रसन्न, ते जदों गुरु के सिखा ने दसना ना महाराज नूं, महाराज ओह फलाने नगर दा फलाना सिख अपने घर विच पक्का ही लंगर ला के बैठा, गुरु अर्राय साहब ने बड़ा खुश होना जी उस सिख ते जी, भी उस सिख ते बड़ा भला हैगा जी, बड़ा चंगा हैगा जी। ते गुरमुखो सच्चे पातशाह ने यह भी आख्या सी, सिखो प्रशादा छकाउण लग्या किते धर्म ना वेख बैठे हो बंदे दा जी, भी यह किस धर्म दा हैगा जी, हैं भी सिख नूं ही प्रशादा छकाउणा नहीं, जेहो जा मिल जे उन्हों प्रशादा छका दिओ तुसीं जी। ते इन्ने वड्डे पद्धर ते गुरु जी ने बचन किया, कोई भी मनुख होवे उन्हों प्रशादा छकाओ सीधा ही साढ़े तक पहुँच देगा जी, सीधा ही साढ़े तक पहुँच देगा। हाँ जी, सिख धर्म नहीं वेखते हुण जी, सिख उहदी जात कुल वर्ण नहीं वेखते, बस ये वेखते भी फलाने बंदे नूं भुख लगी है जी, जिन्हों भुख लगी समझो सेवा का मौका मिल गया जी, ते प्यार नाल उन्हों प्रशादा छकाउणा जी। जिस सिख दे घर वड्डे पद्धर ते लंगर लगता ही ना जी, गुरु अर्राय साहब सच्चे पातशाह ओरे ते बहुता खुश हुंदे सीगे। हाँ जी। निज सिखियन को भाखें धन, ते सच्चे पातशाह आप अपने मुखों ये गल कहिंदे हुंदे सीगे, पहला आपां सारे आखिए धन गुरु अर्राय साहब जी महाराज, धन श्री गुरु अर्राय साहिब जी महाराज। महाराज आप अपने मुखों कहिंदे हुंदे सी, भाई फलाना सिख साडी याद विच लंगर ला के बैठा उते धन है कहन लगे। गुरमुखो अपने घर दे चार जियां नूं बंदे कोलों चंगी तरह प्रशादा नहीं चिछकाया जांदा अज दी, माफ करियो, अपने घर दे चार जियां नूं चंगी तरह प्रशादा नहीं छकाया जांदा, ते गां दूजियां नूं आवाजां मार मार प्रशादा छकाउणा ते बड़ी वड्डी गल हैगी है जी। ये ते ओहो ही काम करेगा जिहदे अंदर प्यार हैगा जी, ते वेखो वेखी जिहड़ा लगेगा वह एक दिन दो दिन तीन दिन चौथे दिन चुप हो के बह जाएगा जी, पर प्रेमी सिखां नूं भावें घरां दे समान भी वेचने पए वह लगे ही रहे जी। गुरु अर्जन साहब बैठे, गज के आखो वाहिगुरु, महाराज बैठे, सच्चे पातशाह ने लंगर की बड़ी महानता दसी जी, सिखो लंगर चलाया करो। गरीब सिख कहिंदा महाराज मैं गृहस्थी बंदा, चाहुंदा भी मेरा भला हो जाए, होर साधु महात्मा बड़े बड़े विरक्त महापुरशां को मैं गया, वह कहिंदे भी घर टब्बर सारा कुछ छड के साडे कोल आ दी, ते सच्चे पातशाह घर दा मैं कला कला जी कमाउण वाला, जे मैं घर टब्बर छड के उन्हां कोल चल जावां ते घर कौण पालेगा जी, ते कोई सौखा जा उपदेश दे दिओ। गुरु अर्जन साहब कहन लगे, सिखा पहली गल तैनूं घर छड्डण दी लोड़ नहीं हैगी जी, तू हुण घर नहीं छड्डना। महाराज ओह फलाने बाबे ते कहिंदे भी छड्डेगा घर ते मुक्ति होएगी, महाराज कहिंदे
घर बैठ के वाहिगुरु जप के दूजिया नू लंगर छकाई चल तेरी मुक्ति हो जाएगी कहन लगे जी। हाँ जी सच्चे पातशाह ने बचन किया नाम जपी चल ते दूजिया नू लंगर छकाई चल तेरी मुक्ति हो जाएगी। हुण ओह गरीब सीगा जी ओह कहिंदा ठीक है जी ते गुरमुखो अपने घर विच रोज ही प्रशादा छकाउण लग पिया लोड़वंद उहदे घर विच पहुंच जाने। एक दिन ते उहनू घर दा समान बेचना पै गया जी दूजे दिन कितों मंग के गुजारा करके उहने लंगर ला दिता जी। करद्या करद्या बहुती गरीबी आ गई गुरु अर्जन साहब नू याद किया सच्चे पातशाह मैं ते तुहाडा वचन ही मनन आ तुसीं आखिया सी लंगर ला ते मैं लंगर शुरू कर बैठा। महाराज सच्चे पातशाह ने इधरों कृपा वरताती अपने खेतां विच गया जी जमीन पदरी करन लई जदों कई मारी ते थलों सोने दी इट निकल आई जी। हाँ जी उह ते निहाल हो गया जी वेख के महाराज सच्चे पातशाह तुहाडी पिठ नहीं लगन देणगे गुरमुखो तुसीं गुरु दा उपदेश मन के वेखो जी तुहाडी पिठ नहीं लगन देणगे जी। जे महाराज ने लंगर छकाउण बारे आख्या ते छकाओ गुरु दा रूप समझ के लोड़वंद नूं। हाँ जी तुहाडी पिठ नहीं लगन देणगे ते आ वेखो गुरमुखो एक बेनती है हुण कथा सुण के इह ना होवे वी सवेरे तुसीं मैनूं सारे सद लो जी आ जा फिर राती तूं लंगर दी कथा कीती ते लंगर छक। हाँ जी लोड़वंद नूं छकाओ जिन्हों लोड़ हैगी है जी लोड़वंद नूं छकाओ सीधा गुरु कोल पहुंचेगा जी। वह मैं पिछे जे लंगर की कथा कर बैठा जी वह सारे मैनू ही छकाई जान जी वह मैं क्या लोड़वंद नूं छकाओ। हाँ जी सानू तो महाराज जी की कृपा। हाँ जी लोड़वंद नूं लंगर छकाओ सच्चे पातशाह महाराज बहुते खुश होए जी। जदों पता लगा ना गुरु राय साहब नूं भी फलाने सिख ने पक्का ही लंगर लाया महाराज बड़े खुश होए जी। हाँ जी निज सिखन को भाखें धन महाराज कहिंदे धन हैगा सिख जिहड़ा साडे नाम दा लंगर ला रिहा कहिण लगे। हाँ जी देग गुरु की बहुत स्थान हाँ जी पुर मैं महिमा महान ते सच्चे पातशाह महाराज गरीब नवाज जी दे घर दा लंगर हुण कल्ला कल्ले पिंड विच चलन लग पिया जी। हर एक पिंड विच ते हर एक घर विच गुरु का लंगर चल पिया जी। दसवें पातशाह महाराज दे कोल होला महला आउण वाला सीगा दसवें पातशाह महाराज कहिंदे भाई 14 लंगर ते आनंदपुर साहिब विच पक्के हैगे जी। महाराज कहिंदे 14 लंगरां नाल सरदा नहीं ते हर एक सिख अपने घर विच ही लंगर ला के बह जाए जी। जिथे नंद लाल जी की रहायश सी ओह भी लंगर ला के बह गए जी। सवेरे आए सिख महाराज दे कोल महाराज तुहाडी कृपा नाल आपां लंगर ला लिया। महाराज कहिंदे कोई नहीं वेखांगे। दूजे दिन फिर आए महाराज आपां लंगर ला लिया। महाराज कहिंदे वेखांगे। तीजे दिन सच्चे पातशाह प्रीख्या लैण नूं तुर पए जी। मारी बुक्कल कलगीधर जी ने ते भेस वटा लिया माया ना जी। जिहदे लंगर विच गए टैमो बेटैम गए जी ओ मारे अगों दबके जी गुरु नूं ही दबके मारे जी उहनां ए टैम हैगा कहिण लगे आ गए ओ। हाँ जी बड़ा कुछ महाराज दसवें पातशाह नूं भी बोलन लग पे जी। महाराज भी वेख लिया भी किन्ने किन्ने दे लंगर ठीक है गए जी। हाँ जी कोई कहिंदा जी सवेरे आयो कोई ने कुछ आख्या जी बहुतियां ते दबके ही मारे जी कहिंदे सवेर दा इहनूं टैम नहीं लगा अद्धी रात आ के साडे कोल रोटी मंगन लग पिया जी। महाराज वेखदे गए जदों नंद लाल जी दे कोल गए ते नंद लाल जी नूं आख्या नंद लाल मैनूं लगी भुख ते प्रशादा छका जी। हाथ जोड़ के कहन लगे नंद लाल जी कहन लगे भाई साहब जी रब जी बेनती है प्रशादा पकिया नहीं हैगा कच्ची रसद तैयार है जे कुछ समा बैठो ते हुणे पका के दे दें तुहानूं जी। सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे महाराज कहिंदे आ कम ठीक है तू सानू कच्ची रसद दे दे जी अहीं आपे ही बना के छक लांगे। दिन चढ़ गया जी आनंदपुर साहब फिर दीवान सज गया जी जिवें आपां हर रोज़ रात नूं आउंदे आ संगत दिने महाराज दे कोल आ गई जी ते महाराज सच्चे पातशाह नूं कहन लगे महाराज तुसीं आए नहीं लंगर विच। महाराज सुणदे रहे दूजा फिर कहिंदा सच्चे पातशाह तुसीं साडे लंगर विच नहीं आए महाराज तुहानूं उडीकदे रहे असीं। हाँ जी तीजा कहिंदा महाराज मैनूं ना भुल जिओ मेरे लंगर च जरूर आयो।
सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे असीं लंगर च गए सां भाई। कहन लगे महाराज केड़े वेले लंगर विच गए? महाराज कहिंदे असीं गए सां। महाराज केड़े वेले? महाराज कहिंदे वेले दा ते पता नहीं, जरों गए दबके ही मारे तुसीं सानू जी। सिख हथ जोड़ के कहन लगे सच्चे पातशाह असीं समझे नहीं तुहाडी गल नूं। महाराज कहिंदे राती कौन आया सी? कहन लगे महाराज उह ते एवें बंदा तुरिया फिरदा सीगा। कहन लगे अद्धी रात आके रोटी मंगन लग पिया। सच्चे पातशाह कहिंदे ओ एवें नहीं, ओ अहीं सां। कहन लगे है महाराज तुसी सी? सच्चे पातशाह कहिंदे अहीं हाँ। कहन लगे ते महाराज ने फिर सिख नूं आख्या। महाराज कहिंदे लिया के कच्ची रसद इत्थे रख पाई। कच्ची रसद फड़ी सिख ने अगे रखी। महाराज कहिंदे लंगर ते तुसां बड़िया लाया पर सानू कच्चा भोजन मिलिया राती। कहन लगे ਉਹ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਲੰਗਰ ਤੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਮ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਮਮ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਵੇਂ ਮਨ ਭਗਤੀ ਕੋ ਧਰੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਇਹ ਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਸਦਾ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਹੂੰ ਕੀ ਨਹਿ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਮਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਟੀਸੀ ਤੇ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਿਰਦੇ ਸੰਭਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇ, ਉਠਦਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਚੇਤਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕੀ ਸਦਾ ਕਮਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੇਵੇ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਏਕ ਬੇਰ ਵੈਸਾਖੀ ਮੇਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕੇਲੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਚਿੱਤ ਚਾਓ ਵਿਸਾਲੇ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਆਏ ਮਿਲ ਕਰ ਹਿੱਤ ਨਾਲੇ, ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ
बैठिया बैठिया हुण गल चली जी। हां जी बहु सिखन तब बात चलाई महाराज सच्चे पातशाह दे कोल गुरु के सिखा ने गल चलाई एक जी। हां जी अमके सिखन देग बनाई महाराज फलाने नगर विच तुहाडे सिख रहिंदे बड़ा वड्डा लंगर लाया महाराज उन्हां बड़ा वड्डा लंगर लाया। हां जी बहु संगत की सेवा करही महाराज ओ तुहाडे सिख बड़ी संगत दी सेवा करदे बड़े चा नाल तुहाडी संगत दी सेवा करदे ने। हां जी देत आहार भाव को धरही ते सच्चे पातशाह महाराज तुहाडा रूप जान के गुरु के सिखा नू प्रशादा छकाउंदे लोड़वंदा नू प्रशादा छकाउंदे सच्चे पातशाह महाराज गरीब नवाज जी उसे वेले ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਬਾਕ ਜਬ ਸੁਣਿਓ ਹਾਂਜੀ ਸਭਾ ਮਝਾਰ ਸਭਨ ਸੋ ਭੰਨਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਗਏ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਸੋ ਹਮੇ ਬਤਾਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਗ ਦੇਤ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਵ ਭਗਤ ਕੀ ਜੁਗਤ ਵਿਸਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਬੂਜਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਇਸ ਕਾਲਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਬ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕਰ ਦੋਏ ਫਿਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਹ ਜਹ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿੱਗਲੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਖਰੇ ਸਮੁੱਖ ਨਿਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੇਕੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਹੇਰ ਤਿੰਨ ਓਰੇ ਹਾਂਜੀ ਖਰੇ ਅਗਾਰੀ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮੱਤ ਨੀਚੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਛੱਡਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵਿਚਲੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਜਨ ਕਰੇ ਕੌਣ ਬਿੱਧ ਸੇਵਾ ਤੁਮ ਤੇ ਕੀਨਸ ਹਿਤ ਗੁਰ ਦੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਛਕਾਉਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਬ ਸਿੱਖਨ ਸਭ ਭੇਦ ਸੁਣਾਇਓ ਹਾਂਜੀ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਆਇਓ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਦਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੀ ਦਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਜੀ
दया करके प्रशादा शिकार देइदा हाँ जी तिसको भोजन दे त्रिपतायव महाराज चंगी तरह उन्हों रजा के कलीदा सच्चे पातशाह हाँ जी सबन पिछारी ते हम खाएव ते सच्चे पातशाह भोजन छका के फिर आपा प्रशादा छकदा मैं आप फिर छकदा रज के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु विशा बड़ा सूखम हैगा जी कई बार बंदा धर्म दे रस्ते ते तर चलदा जी अद्धा चलदा जी सोझी ना होने करके बंदे को पूरा नहीं चलिया जांदा जी काम ते चंगा करन दिया जी और लंगर भी लाया जी उन्हें हाँ जी और गुरु साहब नू ये भी कह रहा भी मैं पिछों छकदा जी ते गुरसिख का लक्षण हैगा जी पिछों बचिया आप खवंदा पहला दूजिया नू छकावे पिछों बचिया होया आप खावे जी पर किते ना किते कमी रह जाती बंदे की जेड़ा उन्हें कहता ना भी मैं दया धार के प्रशादा छकाउना किते ना किते कमी रह जाती बंदे को जी गज के आखो वाहेगुरु इस करके बड़ा सूखम विषय है पूरी पूरी निम्रता की लोड़ हैगी है जी पूरा पूरा नीवे रहन की लोड़ हैगी है जी हाँ जी जितक अतिथि कृपा कर आवे हाँ जी लंगर ते आहार सब खावे महाराज जिन्ने भी अतिथि आउंदे तुहाडे सिख आउंदे सारे लंगर छकदे साडे कोलो हाँ जी निज सेवा करते जिम रहे अपने कर्म समूहन कहे ते हर किसे ने फिर आपो अपना कर्म दसिया जी किसे ने दसिया महाराज मैं दिहाड़ी च दस बंदियां नू प्रशादा छकाउना किसे ने आख्या जी पक्का ही लंगर लगा किसे ने कुछ आख्या गुरु हर राय साहब सारे सिखां दियां गल्लां ध्यान ना सुनदे रहे जी हाँ जी तब संगत सब कीनस बिनती सुनत खिमा कर सुनत खिमा कर रहे गोसाई महाराज चुप रहे जी ओ जेड़े अखर वादू काटू मुखों बोले जा रहे ना कोई कहिंदा मैं छकाउना कोई कहिंदा मैं किसे ते दया करदा कोई कहिंदा मैं दसां नू छकाउना ए जेड़े वादू काटू बचन हंकार वाले हो रहे ने महाराज सुन के मुआफ कर दे रहे जी उन्हां नू कुछ नहीं बोले सच्चे पातशाह हाँ जी नह श्री मुखते कशु अलाई कुछ नहीं महाराज सच्चे पातशाह उन्हां नू बोले जी भी तुही की करदे हो तुही शब्द नहीं सही बोले जां की गल हैगी है महाराज बोले कुछ नहीं जी ते सच्चे पातशाह महाराज ना हुण सिखां नू कहन लगे जदों सारे सिख बोल हटे ना जी कल्ले कल्ले सिख दी गल बड़े ध्यान ना सुनी महाराज ने किन्ने की बोलिया जी ते फिर गुरु हर राय साहब आप उपदेश देन लगे हाँ जी यांते शुभ उपदेश बतावो हाँ जी जम संकट ते तुम्हें छुटावो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई लंगर ते तुही लाउंदे हो ते इक गल बड़े ध्यान ना सुनियो जी निस दिन चितवन चितवत चित मैं हाँ जी मम सिख प्राप्त होए शुभ गत मैं जे कोई सिख चाहुंदा भी मैं पूरा पूरा गुरु विच समा जावां ते गल ध्यान ना सुने पता क्यों जी हुण बंदा बाहरों बाहरों ते चंगा बनदा जी अंदरों की हैगा जी ए गुरु जी नूं पता लग जांदा जी भी इहदे अंदर की हैगा गज के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु ओ महाराज नू पता लग जांदा महाराज नू पता हीगा ए जेड़े विच कोई गल्लां करन दे लंगर दियां फोकियां ही गल्लां करन दे हैगे जी एक गल चेता रखो दुनिया दियां चतुराइयां बाहर जेड़ियां आपां चतुराइयां मारदे हो गुरु अगे चतुराइयां नहीं चलदियां जी हां जी चतुराई सियाणपां कितै काम ना आईआ ये जेड़ियां साडियां हो सकता पोलियां पालियां गल्लां विच लोकी ते आ जाण पर साडियां गल्लां विच सतगुरुआं ने नहीं आउणा जी सच्चे पातशाह नूं पता इत्थे ते सानूं कहिंदा भी महाराज मैं लंगर ही बड़ा लाया ते घर कोई माड़ा जिहा टैमो बेटैम आ जाए ते उहनूं दबके भी मारदा जी हाँ जी ये कोई टाइम है लंगर छकण दा मूँह चुक के आ गया हाँ जी महाराज नूं पता भी लंगर ते छकाउंदा ते दबके भी बड़े मारदा जी अज के आखो वाहेगुरु वाहेगुरु सारियां गल्लां दा पता गुरु जी नूं मैं फिर बेनती करां चतुराई आम मनुखां अगे चलदी गुरुआं अगे चतुराई नहीं चलदी जी रब दे प्यारियां अगे चतुराई नहीं चलदी महाराज सच्चे पातशाह पहलां ते सुणदे रहे जी फिर महाराज मुखों बोले जी हां जी समें चुके ते
जो सिख आएव तिन पी किनहू आहार खिलाएव। महाराज कहिंदे सच सच दसो बेटैमा बंदा जिहड़ा आ जाए समा निकलण तों बाद जिहड़ा आ जाए तुहाडे चों किहड़ा उहनूं लंगर छकाउंदा। कहिण लगे जी बहुत सारिआं दा सिर नीवा हो गया जी, क्यों उहनां नूं पता ही नहीं तां दबका पालटीआं टैमो बेटैम आउण सही आ तां मारदे दबका जान कढ दिंदे आ जी। गुरमुखो किहे नूं लगी होवे भुख ते दो ओरे ना मिठे बोल ही बोल दो अद्धा ते वही बंदा रज जांदा है जी। हाँ जी ते वधिया तो वधिया पदार्थ तैयार कीता होवे ते अगों मारो उहनूं दबका उह नहीं खाएगा जी, जे खाएगा भी ते बदो रोटी खाएगा जी। सच्चे पातशाह नूं पता हैगा जी भी दबके मारन वाली पार्टी हैगी है। महाराज गुरु हर राय साहब कहिंदे दसो जदों टैमो बेटैम कोई आउंदा समय तों बाहर हो के कोई आउंदा ते मारदे उहना दबके छकाउंदे नहीं ना प्रशादा, जां दबके मार के प्रशादा छकाउंदे हो ते बहुतियां दे सिर नीवे हो गए। क्यों? उहनां नूं पता हैगा भी अहीं दबके मारदे आ, अहीं माड़ा बोल दिंदे आ। हां जी इसको फल उत्तम इह जानो। पर सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे सिखो टैम नाल कोई बंदा आके प्रशादा छके ओनू छकाउण दा ते बहुत वड्डा लाभ हैगा, ते टैमो बेटैम कोई हो जाए ते ओनू प्रशादा छकाउण दा ते होर बड़ा वड्डा लाभ हैगा। कहिण लगे जी कोई टैमो बेटैम हो जाए ओनू ते ज्यादा भुख लगी होएगी जी, और आते टैम भी लंघ गया प्रशादे दा, ते कई वारी टैमो बेटैमा होण करके बंदा डरदा ही भोजन नहीं मंगदा जी। महाराज कहिंदे जिहड़ा टैमो बेटैम हो जांदा उहनूं कई वारी ज्यादा भुख लगी हुंदी। सिखो तुहाडे घर कोई आ जाए समें तों परां हो के हांजी ते उदों प्रशादा मंगे ते तत्काल प्रशादा दिया करो, तुहानूं बहुता वड्डा फल प्राप्त होएगा, पहले नालों भी ज्यादा वड्डा फल प्राप्त होएगा जी। पर गुरमुखो आपां वेख्या जी, मैं बड़िआं नूं वेख्या जी जदों प्रशादे दा समां हुंदा दूजे किसे नूं टाइम ही नहीं दिंदे भी साडे घर ना आयो इन्ने वजे जी, हैं पता हुंदा भी प्रशादे दा समां ते लुक के खा लईए जी। पर गुरमुखो दूजे नूं छकाउण वाले ते गुरु हर राय साहब बहुत खुश हुंदे जी, ते जिहड़ा टैमो बेटैम वाले नूं छका दे इहदा मतलब भी अठे पहर दे लंगर दी गल गुरु हर राय साहब करन दे, अठे पहर दे लंगर दी पहल। कई बारी बंदा कह ही दिंदा जी ना हुण ते समां लंघ गया हुण नहीं तुहानूं प्रशादा छकाउणा, पर गुरु साहब ते अठे पहर दे लंगर दी गल करन दे, अठे पहर दी अठ पहरां विचों अद्धी रात भी कोई आ के आखे भी मैनूं छकाओ ते बंदा निम्रता दे नाल छकावे जी, वड्डी गल उदों भी माण नहीं पैदा होण देणा भी मैं छका रहा जी, उदों भी निम्रता ही रखनी है। हाँ जी अन्न दान सम दान न मानो। महाराज कहिंदे बड़ा वड्डा दान चे है अन्न दान प्रशादा छकाउणा बड़ा वड्डा पुन चे। कहन लगे हांजी सुन सिख बूझत एह किम लहीऐ, हांजी समो चुक्यो किह को प्रभ कहीऐ। सच्चे पातशाह महाराज नूं ओह जिहड़े विचों बहुते अपने आप च सियाणे बणदे सी ओह गुरु साहब नूं कहन लगे महाराज ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੋ ਜਾਨ ਕਰੈ ਪੁੰਨ ਤੈਸੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਿਤ ਕੋ ਕਰਨ ਆਪ ਕੋ ਜੈਸੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਚਨ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਫੁਰਮਾਏਵ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। महाराज ने अपने मुखो बचन किया जी। हां जी बीतियो समो आहार समा लंघ गया होवे ते तुहाडे कोल कोई आ जाए ते होवे भी ओह भुखा भुख पूरी लगी होवे ओहनूं। हां जी शुद्धत सिख आयो तबै, हां जी तृप्तावें कर त्यार ते ओहनूं टैम ना विखाया करो घड़ी ना विखाया करो ओहनूं, वेख्या करो इहनूं भुख लगी इहनूं गुरु दा रूप समझ के छका दिया करो। कहन लगे बड़ा फल मिलेगा बड़ा लाभ, ये गल्लां सौखियां बंदा कमा सकदा जी। हाँ जी हुण तुहानूं मैं बेनती करां भी तीन घंटे बहुत चौंकड़ा मार के वाहिगुरू बोलो ते बोलना औखा हो जाएगा जी, पर जे आखिया जावे भी फलाणा सिख घर आ रहा उहनूं प्रशादा छकाओ तो सौखा जी। गुरु साहब सच्चे पातशाह ने इहो जे बचन करके आख्या सिखो छेती भला हो जाएगा तुहाडा सौखा भला हो जाएगा जी।
कोई महापुरश के खेतों में बैठे बंदगी करते होंगे सके जी, तो खेत बदलते रहने जी। उन्होंने किसी खेत में जाके रब रब कर लग पे, उस खेत वाले नू प्रशादा छका के भी बड़े खुशियां ले लेंदे जी। खेत वाली घर वाली बीबी नू किसी ने आके दसिया भी माई तुहाडे खेतां च एक महापुरश आए ते बंदगी करन दे, ते दो दिन हो गए बैठे खादा नहीं उन्होंने कुछ। उस माता ने बड़े प्यार नाल उस रब दे प्यारे वास्ते प्रशादा तैयार किया जी, प्रशादा छकाया नाल उन्हें अपना छोटा जिहा निक्की दी उम्र एक महीने का ही होएगा जी अपना पोतरा लै लिया जी। सुनिया बंदगी आले ने गुरु रूप हुंदे ने प्रशादा छका दिता, ते लोड़ सीगी उन्होंने प्रशादे की, वह खुश बड़े हुए जी। कहन लगे भी माई मंग की मंगदी आ। प्रशादा छकाउण तों बाद उन्हें अपना दुख दसिया, पहला नहीं दसिया जी। कई वारी अजे प्रशादा भी नहीं छकिया हुंदा ते बंदा दुख ही इन्हें दस दिंदा भी वह अंदर ही नहीं जांदा जी। हाँ जी, उन्हें बाद चो दुख दसिया। कहन लगी महापुरखो साढ़े घर कहे पीर ने मुसलमान ताकत वाला सी, साढ़े वड्या वडेरिया को गलती होगी। उन्हें एक बचन कह दिता, बचन ये आख्या भी तुह हूँ बड़ी वड्डी गलती की है, तो चेता रखो अज तो बाद तुहाडे कुल परिवार विच प्यो पुत नू नहीं देखेगा ते पुत प्यो नू नहीं देखेगा जी। हुण गल बड़ी वड्डी जी, प्यो पुत नू नहीं देखेगा ते पुत प्यो नू नहीं देखेगा। यह गल हुंदी पता किवें ही पूरी है, जदों घर विच पुत पैदा होण तों हाँ जी चार क दिन पए हुंदे हीगे ते पुत दा बाप पहला ही चढ़ाई कर जांदा हीगा जी। हाँ जी, वह ना अपने बच्चे नू वेख सकिया ते ना बच्चे ने अपना बापू वेखिया जी। बड़ा दुख सी उन्हां दी कुल विच जी, बड़ा दुख जी। तुरे फिरन इधरों गल ना बनी जी कितों, सुनिया सीगा भी रब दे प्यारियां नू प्रशादा छकाओ गुरु दे सिखां नू, ते गुरु साहब ही खुश हो जांदे जी। उन्हें आख्या जी आ मेरा पोतरा चे एरा की कसूर, गलती ते वड्डियां कोलों होई किहां कोलों, एदा की कसूर है। चार दिन पहला एदा प्यो हुण चढ़ाई कर गया, लोग ना साडे घर वधाई देण जोगे रहे ते ना अफसोस करन जोगे रहे। कहन लगे की करिए जी। वह उठे जी, हाँ जी, वह कहिंदे कोई गल नहीं, कीती गुरु नानक साहब दे चरणां च अरदास, महाराज तुहाडे भुखे सिख नूं इन्ने प्रशादा छकाया, हुण किरपा करो दया करो। उस बच्चे दे मत्थे ते अंगूठा रख के पता की कहन लगे, कहन लगे माई गुरु नानक साहब किरपा करनगे बच्चे दा नाम बूटा सिंह रखना ही। कहन लगे इहनूं अमृत छकाउणा ही। कहन लगे इस बच्चे नूं पढ़ाई गुरु की बाणी, जिथे बाणी होवे उत्थे दूजी ताकत असर नहीं करदी। कहन लगे इस बच्चे दा नाम बूटा सिंह रख, इहनू छका गुरु का अमृत ते पढ़ा गुरु की बाणी, इस बूटे नूं फुल भी लगणगे ते इस बूटे नूं फल भी लगणगे जी। हुण इहदा भाव समझ लिओ। कहन लगे तूं भी वेखी, कहन लगे इहदे घर पुत पैदा होएगा, इह भी जिंदा रहेगा ते पुत भी जिंदा रहेगा। कहन लगे ते फुल ते हो गया पुत, ते गां फल इहनू पोतरे पोतरियां वाला फल भी लगेगा। कहन लगे जी हां जी, ते जिन्हां मैनू बचन सुनाया उहनां नू उस बंदे ने आप बचन सुनाया, ते उह अपनी गोदी च अपने पोतरे नू खड़ा रहा सीगा जी। उह कहिंदा इह प्रशादा छकाया साडी दादी ने, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੰਮ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਟੈਮੋ ਬੇਟੈਮ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਦਬਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮੋ ਬੇਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਤਿਆਰ ਪੁੰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤਿਥੀ ਸਿੱਖ ਆਵੈ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਸੋ ਤਿਸ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੇਟੈਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਰਹੋ ਸਹਾਇਕ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਛਾ ਦੇ ਕਰ ਵਿਘਨ ਨਸਾਇਕ, ਰੱਛਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹੇਗਾ, ਅੜੇ ਅੜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਸੇਵਤ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮੂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਾਵਨ ਧਾਮੂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਟੋਪ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਟੋਪ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕਾਉਣੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਸੀ ਜੀ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣੀ ਪਿਆਉਣੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਦੋ ਰੁਪਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਪਣਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ 'ਚ ਹੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਆਖੀਏ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਭ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵੀ ਜਪੀ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਪੋ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਪਣਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ